बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद सिंगड़ा, मरकजी सदर आपका पाकिस्तान, चेयरमैन अगीगा पंजाब। आज 17/10/2023 है। इंशाल्लाह आज तक हमारे इजला में जो एहतजाज जारी है वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। मैं तमाम इजला के सदूर जनरल सेक्रेटरी जितनी भी तंजीमों के हैं और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब एहतजाज जा रहा है। मैं आज लाहौर के तमाम दोस्तों को, तमाम तंजीमों के सरबराह को मुबारकबाद दूंगा कि आज लाहौर प्रेस क्लब में जो एहतजाज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में हुआ है। इंशाल्लाह ये एहतजाज जारी सारी रहेगा जब तक लीव एंड कैशमिन का और हमारे स्कूलों की निजकारी का और जो 10% से और 15% से महरूम लोग हैं और जितने भी हमारे असीरान रिहा नहीं हो जाते, ये इंशाल्लाह तहरीक जारी और सारी रहेगी। इंशाल्लाह लाहौर के अंदर 19 तारीख को बरात जुमेरात जनरल पोस्ट ऑफिस जो नासर बाग के नजदीक पोस्ट ऑफिस चौक है वहां पर 11 बजे तमाम लाहौर के तमाम महकमा जात और मेरी बहनें लेडी टीचरें, मैं आज उनको सलाम पेश करता हूं जिस तादाद में आज उन्होंने हाजिरी दी। तमाम दफातरों के हमारे लोग वहां जमा होंगे और वहां पर भरपूर ताकत का मुजहरा किया जाएगा और इंशाल्लाह इस तहरीक को मजीद तकवीत मिलती जाएगी। मैं इंतजामिया से मुतालबा करता हूं कि उनको हमने शाम तक टाइम दिया था लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं हुई। छोटे बहुत जो मुजाकरात की पेशकशें हुई हैं लेकिन उस लेवल के मुजाकरात अभी तक गवर्नमेंट की सतह से हमें मौसूल नहीं हुए। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते या हमें नोटिफिकेशन कैंसिल करके नहीं देते, ये तहरीक इसी तरह रवादवा रहेगी। और इंशाल्लाह मैं मुलाजमीन को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वक्त बहुत करीब है, कामयाबी कामरानी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह जिस अंदाज से ये तहरीक चल रही है ये अपना मकसद पूरा करके ही वापस होगी। अब किसी दोस्त को किसी शोकाज नोटिस से, किसी धमकी से, किसी इंतजामिया के जो जोरे बाजू हमें धमकियां दी जा रही हैं उससे कोई खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये जो इनके इख्तियारात है ये आर्जी है। अगर इंतजामिया ने मजीद, मैं फिर कह रहा हूं, मजीद जिस तरह डीसी साहबा ने हमारे मुलाजमीन को गाड़ियों में बंद करवाया, जिस तरह शाहाना हुक्म वजीर आला साहब चीफ सेक्रेटरी ने दिया है, मजीद दिया गया तो ये तहरीक मजीद तेजी के साथ आगे जाएगी। जो इनके बस की बात नहीं रोकने की, अभी तक जो आवाम है, जो लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा लीव एंड कैशमिंग और हमारे जो पेंशन कमिटी जो रूल्स हैं उनको रोका जाए। आगे ये तहरीक बढ़ती जाएगी, फिर अवामी मसाइल भी इसमें शामिल हो जाएंगे और फिर इस गवर्नमेंट के घर जाने तक ये तहरीक नहीं रुकेगी। अगर गवर्नमेंट में कोई पॉजिटिव लोग बैठे हैं जो पेंशन के रूल्स बनाए जा रहे हैं उनको रोककर, निजकारी का मन रोककर इस तहरीक को रोका जा सकता है। और मैं सलाम पेश करता हूं जो हमारी मरकजी क्यादत और जितने भी कारकुन जेल में मौजूद हैं उनकी अजमत को सलाम करता हूं, उनके घर वालों को सलाम करता हूं कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ आज भी वहां से पैगाम आया है कि संगेड़ा साहब अपनी टीम को बता दो, पूरे पंजाब को बता दो कि हम घबराने वाले नहीं है। इस किस्म के और भी मुकदमात अगर होंगे हम फेस करेंगे। हम जेल के अंदर हैं लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और इंशाल्लाह इस तहरीक को कामयाब करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये तहरीक कामयाबी के करीब है, करीब है। ये जुल्म की रात
मिटने वाली है, ये बर्बरियत के कानून टूटने वाले हैं। अब इंशाल्लाह इंसाफ पर मबनी जब तक निजाम नहीं आएगा ये तहरीक नहीं रुकेगी, और इंशाल्लाह इंतजामिया को हमारी बात सुननी पड़ेगी। हमारी बात जायज है, हक पर मबनी है, और इंशाल्लाह ये हक इंशाल्लाह बादल पर गालिब हमेशा हुआ है, अब भी होगा इंशाल्लाह। जिस तरह 10 जुलाई से 14 जुलाई तक हमने जदोजहद करके अपना हक हासिल किया था, ये हक भी इंशाल्लाह हमें मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है। इस जदोजहद को तेज करना है, आगे बढ़ाना है, इंशाल्लाह ये बढ़ती जाएगी, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी।